महाराष्ट्र में बागी एकनाथ शिंदे गुट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सत्ता हिलाने पर आमादा है। पूरे विवाद के शुरू होने के बाद गुवाहाटी में शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे आज यानी 28 जून को मीडिया के सामने आए। वहां उन्होंने कहा, हम शिवसेना में ही हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे ले जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की। इससे इस बात के कयास लगने लगे कि क्या अब इस मामले में खुद को अलग दिखाती रही और चुप बैठी रही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर हम आपको डिटेल में सब समझाते हैं। दरअसल माना जा रहा है कि पार्टी ने राज्य में बड़े सियासी बदलाव के लिए रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी शिवसेना के बीच सरकार बनाने को लेकर मंथन चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी आलाकमान की तरफ से आदेश का इंतजार कर रही है। संभवतः इसी सिलसिले में देवेंद्र फडणवीस के बंगले में मुलाकातों का दौर भी खूब चला। 27 जून को बीजेपी कोर ग्रुप की हुई मीटिंग के बाद पार्टी के सभी विधायकों के लिए यह फरमान जारी किया गया कि सभी विधायक 29 जून तक मुंबई पहुंच जाएं। इससे पहले पार्टी के सीनियर लीडर्स ने सियासी हालात पर चर्चा की। इधर बताया जा रहा है कि बीजेपी का इशारा मिलते ही एकनाथ शिंदे भी दिल्ली रवाना हो सकते हैं और बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अटकलें इस बात की भी लग रही है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। ऐसे में उसे सरकार बनाने के लिए कम से कम 39 विधायकों की जरूरत है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास यह संख्या बल है। ऐसे में बीजेपी को इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी और शिंदे गुट आसानी से मिलकर नई सरकार बना सकते हैं, जिसके मुखिया देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के एक नेता ने कहा कि यदि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो शनिवार या रविवार तक नई सरकार बन सकती है। हालांकि अभी मंत्री पद को लेकर मंथन चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे गुट से 8 विधायक कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, वहीं 5 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि बीजेपी अपनी तरफ से 29 मंत्री बना सकती है। बहरहाल महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम के बीच सबकी निगाहें बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह और राजभवन पर टिकी हुई है। इस बीच बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव सरकार की ओर से लिए गए करीब 200 फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। इन तमाम मसलों के बीच सारी चर्चा अब राजभवन पर टिकती दिख रही है और राजनीति के केंद्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आते दिख रहे हैं। हालांकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक बागी विधायकों पर किसी तरह के एक्शन के खिलाफ रोक लगा दी है, लेकिन दूसरी तरफ अब इस बात की भी संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में बागी गुट राज्यपाल के पास बहुमत साबित करने के लिए चिट्ठी भेज सकता है या खुद राज्यपाल उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। रिपोर्ट बताते हैं कि खुद एकनाथ शिंदे राज्यपाल को यह खत लिखकर कह सकते हैं कि मौजूदा महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। यदि ऐसा होता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के साथ ही वोटिंग की नौबत भी आ जाएगी, तब महाविकास अघाड़ी सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ब्यूरो की रिपोर्ट।